दोस्तों पहला पंजरी शिफ्ट 3 प्रेस करना, तो जल्दी जल्दी देखो जी इस तरह आप पंजरी शिफ्ट 3 जल्दी जल्दी प्रेस करेंगे तो उदो अपने स्क्रीन के ऊपर देखो ये ऑप्शन खुल के आ जाएगी अपने आप ही। आपका कुछ नहीं करना, आपको बस इसको कर देना है यस। डू यू वांट टू टर्न ऑन स्टिकी कीज, आपका यस कर देना है। दोस्तों देखो जब अपन यस किया है देखो अपनी टास्क बार में एक और आइकॉन आ गया है स्टिकी कीज लिख के आया है उधर। देखो स्टिकी की लेके आ गया है दोस्तों। ये देखो तुसी चार छोटे छोटे खाने बने हुए है, एड़ा बड़ा खाना है ये शिफ्ट लाया। देखो मैं शिफ्ट लग गया तो शिफ्ट उधर ब्लैक हो गया आपको लगाना इस तरह दोस्तों। ते ये जड़ा कॉर्नर पे खाना है ये है कंट्रोल लग, ये देखो मैं कंट्रोल लग गया है ते भी खाना काला हो गया है। ते दोस्तों इधर नाल का खाना जड़ा है ये है विंडो स्टार्ट बटन का, ये देखो मैं खाना ब्लैक बटन दब गया है विंडो स्टार्ट वाला ते भी खाना ब्लैक हो गया है। ते दोस्तों इतना खाना है का आल्ट का, ये देखो आल्ट दब गया है सारा काला हो गया ये भी खाना काला हो गया। ते हुण मैं माड़े पॉइंटर नु छेड़िया है ਇਧਰੋਂ ਨੰਬਰੀਕਲ ਪੈਡ ਤੋਂ ਕੀ ਬਟਨ ਦਾ ਉੱਤੇ ਪੈਂਟ ਛੇੜਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਅਨਸਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਿਊ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। 5 ਕੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਬਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ एक ओपन हो गया। दोस्तों ये मेरे डेस्कटॉप के आइकॉन है जो मैं तुम्हें पिछली वीडियो में दिखाए थे मैं बिच मूव कर दिते सी, इन्हों फिर मैं मुड़ के डेस्कटॉप पर लैके जाना है, पर मैं लैके जाना है कट कट करके कट पेस्ट करके। तो दोस्तों मैं कट कट पेस्ट इस स्टिकी कीज में जी मैं ऑन की मैं कट पेस्ट कराँगा। देखो दोस्तों मैं कंट्रोल प्लस प्रेस किया, देखो कंट्रोल प्रेस किया जो थले मैं तुम दिखा रहा स्टिकी कीस वाला आइकॉन वो एक खाना काला हो गया कंट्रोल वाला, हम मेरा कंट्रोल प्रेस होया हो भावे कि मैं प्रेस करके छड़ दिता पर फिर भी वो प्रेस होया अजे भी, तो उन्हें कमांड प्रेस की ली हुई है। हम मैं वो दबागा एक्स, देखो मैं एक्स दबिया तो मेरा आइकॉन जिन मैं सिलेक्ट किया या कट किया थोड़ा फिका हो गया। हम पेंट अंदर अपना पेंटन डेस्कटॉप उत्ते ले जाके क्लिक करांगे, इतने फाइल दब के मैं क्लिक किया हम डेस्कटॉप सिलेक्ट हो गया। अपना द्वारा फिर मुड़ के दवांगा पेस्ट की कमांड, देखो मैं कंट्रोल दबिया वो बिंदी फिर काली हो गई दबी, तो हम मैं नाल दबांगा वी, देखो उन्हें कमांड ला ली है तो आइकॉन बाहर आ गया है कट पेस्ट हो गए। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਈਕੋਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਦੱਬਾਂਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਏ, ਕੰਟਰੋਲ ਏ ਦੱਬਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਕਾਪੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸੀ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਸ ਦੱਬਾਂਗਾ। ਦੇਖਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਸ ਦੱਬਿਆ ਡੈਸਕਟੋਪ 'ਤੇ ਗਿਆ, कंट्रोल भी दब के उन्होंने बार पेस्ट कर दिता। तो मान लो दोस्तों इस विंडो को क्लोज करना है, मैं आल्ट दब के F4 दबना है, आल्ट दबे देखो आल्ट वाली दबी काली हो गई आल्ट सिलेक्ट होया अपना, तो हम मैं नाल दब दिता F4 विंडो क्लोज हो गई है वाली। तो दोस्तों मैं तुम्हें टाइपिंग करके दसदा, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਊਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਦੱਬਿਆ ਫਿਰ ਫਾਈਵ ਦੱਬਿਆ ਇਹ ਲਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਨਿਊ 'ਤੇ ਗਿਆ
लो मैं टेस्ट डॉक्यूमेंट ले लिया, तो फिर मुड़के स्प्लैश कर दिया अपना, फिर मुड़के वही फाइल की होना, फिर मुड़के राइट क्लिक दी, मतलब राइट क्लिक का काम करेगा फाइल। लो इन मैं ओपन कर लिया टेस्ट डॉक्यूमेंट नो। दोस्तों मैं थोड़ा टाइपिंग करके दसना, मान लो मैं पहला अक्षर बड़ा पाना अपना नाम लिखांगा, देखो दोस्तों मैं शिफ्ट दबिया पहला अक्षर बड़ा पै गया कैपिटल, बाकी स्मॉल लेटर पै गए। हुण फिर शिफ्ट दबांगा, देखो पहला लेटर कैपिटल पै गया बाकी स्मॉल पै रहे हैं बिना शिफ्ट दबे तो। दोस्तों मान लो हुण मैं आपको वैसे कैप्स लॉक दब के भी कैपिटल लेटर पा सकते हैं, पर जो मैं शिफ्ट दो बारी दब देवां, हुण शिफ्ट नूं दो बारी दब दिता है, हुण जिन्ने भी लैटर पावांगा सारे अपने आप ही कैपिटल पै रहे क्योंकि शिफ्ट प्रेस होया कि दो बारी। तुसीं इहनां चों किसे भी की नूं दो बारी दब दोगे, कंट्रोल नूं जां अल्ट नूं, जब तक उन्होंने तीजी बार फिर नहीं दबते उन्ना चलो सिलेक्ट हो ही रहेगा। जे एक बार दबांगे मान लो एक बार दबिया कोई भी लैटर पाया बस वो एक बार काम करके हट गया बंद हो गया, पर जो दो बार दब देवे वो सिलेक्ट हो ही रहता है, फिर जब तक तीजी बार उसी की द्वारा नहीं दबते। देखो शिफ्टर दो बार दबिया एरो की दी मदद नाल मान लो मैं सिलेक्ट करना है, ये देखो शिफ्ट प्रेस होया आप मैं सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं थानू समझ लग गई होनी कि मैं ये किस तरह कर रहा हाँ, जिस तरह शिफ्ट नू प्रेस करके आप कोई चीज सिलेक्ट करी दी है इस तरह इन्हों भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह दोस्तों सारे शिफ्ट कंट्रोल आल्ट विंडो कीज जिन्ना भी कंट्रोल कीज आ सारे तुसी इस स्पीकी कीज की ऑप्शन ऑन करके यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से जिस तरह अच्छी करना चाहते हैं। दोस्तों मेरा यही तरीका है लैपटॉप चलाने का, कंप्यूटर चलाने का, कीबोर्ड में मैं वायरलेस कीबोर्ड लैके अपने रखा लैंदा, तो इस तरह मैं चलाना कंप्यूटर लैपटॉप में। दोस्तों मैं जी मेन गल ये वीडियो क्यों बनाई, दोस्तों बहुत सारे मेरे वर्गे हैंडीकैप्ड लोग होंगे थोड़ी निगाह च भी जोड़े बेचारे घरों बहर नहीं जा सकते, चाहे बहुत मुश्किल है, तो बाकी मैं तो कहना मेरे हाथ पैर नहीं, हाथ भी नहीं चलते, पैर तो नहीं चलते, पर कई हाथ पैर हाथ चलते होंगे आ, उन्होंने तो जरूर सीखना चाहिए कंप्यूटर, पर जे उस तो भी वध के कोई हैंडीकैप्ड है बहुत ज़्यादा है तो वह भी इस तरीके कंप्यूटर चलाने की कोशिश करे। बाकी सब तो वड्डी गल होंगी हौसले की, जे तुसी ये वीडियो किसी दिखाओगे किसी ऐसे बंदे जिहड़ा हौसला छड्ड दिता है जां जिंदगी तो परेशान हो चुका है, तो तुसी उहनूं ये जरूर वीडियो दिखा लिओगे, उहदे अंदर भी उत्साह पैदा होवे, ते होर कुछ नहीं कंप्यूटर जरूर सीखो क्योंकि ये चलाना बहुत आसान है। बाकी काम जे कोई करना होवे तो उहदे लई काफ़ी दूजा उहदे नाल बहुत आसान है कंप्यूटर चलाना, तो सीखण भी यूट्यूब तो इंटरनेट तो बहुत मदद मिल जाती है। जे मेरे नाल कोई गल करना चाहता है तो मेरा जे दोस्तों मेरे नाल कोई भी गलबात करनी चाहती है तो इतने चाहते हो तो इतने कमेंट भी कर सकते हो, तो मैं अपना मोबाइल नंबर वीडियो पा दूंगा। जे जाने कोई भी इस तरह का इंसान है जिहड़ा हैंडीकैप्ड है प्लीज या कुछ नहीं करता, उन्होंने घट्टो घट्ट कंप्यूटर चलाना जरूर सीख लवे, तो अपना कुछ ना कोई ये रोज़गार काम करे, कि मैं हुण वीडियो एडिटिंग भी इतने कर लैंदा हाँ, वीडियोस और सॉफ्टवेयर जो प्रोफेसनल सॉफ्टवेयर उन्होंने, बाकी फोटोशॉप भी थोड़ा बहुत कर लीदा है, बाकी अपना हुण मैं इंटरनेट कैफे खोलिया है पिंड च, तो उत्थे जाके अपना काम भी करीदा है जिस तरह का भी कोई भी काम आ जाता है, कोई प्रिंट आउट कढ़ने कुछ भी कढ़ना आधार कार्ड पे टाइपिंग वगैरह ते टाइपिंग करी दी भी है, बेसिक कंप्यूटर भी सिखाईदा है, सीखने वाले भी आते हैं टाइपिंग भी सिखाते हैं उन्होंने, दो तीन जने सीख चुके हैं, बाकी होर तो शुरू किया है, बाकी होर भी जिदा अगे हुई जगह
ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਵੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਮਦਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਸਿੱਖਣ 'ਚ, ਜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਹੱਥ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਫਿਰ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਟਿੱਕ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬਟਨ ਦੱਬਣਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੱਥ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਲੈਣ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਦਾ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆ ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੇਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ ਆ, ਵਿਆਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ PPC ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਅਜੀਤ ਵਾਲੇ, ਚੱਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਜਗਾ TV, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪੇਜ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਆਰਟੀਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਓ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਿਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਵੀ, ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।